अगर आप इजाजत दे दें तो आपके लिए एक साड़ी ला दूं। देवर जी, साड़ी तो आप लिया ना, लेकिन साड़ी में कितने महान पुरुषों के फोटो होने चाहिए, मुझे वो साड़ी चाहिए। अच्छा, सुनिएगा जरा। बताइए। सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जितने हमारे मान भाव, हमारे बुजुर्ग मार पिता समान नौजवान प्यारे प्यारे भाई और हमारी आवाज को सुनती हुई हमारी माता बहनाई, हमारी छोटी सी पार्टी की तरफ से हितेश शर्मा जी और हमारे साउंड मास्टर जी जो बुलंदशहर से चल करके साउंड सर्विस बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, क्या बात है। और हमारे जो म्यूजिकल गुरु राजू भारती जी जो शिकारपुर से चल करके आए हैं, और जो सबसे नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा हमारी पार्टी का मनोज चौहान जी, चाहूंगे एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। देखिए, इस पार्टी का सबसे कमजोर कलाकार मैं हूँ। अभी दूध के दांत भी ना पड़े, दूध के दांत आएगा। सबसे कमजोर यानी सबसे छोटा कलाकार मैं हूँ इस पार्टी का। आइएगा, क्योंकि सभा के बीच में हर शख्स हर सोच का शख्स आता है। कुछ लोग आते हैं भाई कुछ सुन करके आएंगे, ऐतिहासिक धार्मिक प्रोग्राम है, एक से एक बात सुन करके आएंगे, बच्चे क्या क्या सुनाएंगे। और कुछ हमारे नौजवान पीढ़ी है वो ये देखेंगे, मजा आएगा प्रोग्राम में डांस देखेंगे, लड़के कैसा कैसा करेंगे हैं। लेकिन जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी हंसाने के लिए हमारे बीच में जो हास्य कलाकार है, कॉमेडी कलाकार है, वो पी चोटाला जी, चाहूंगे उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ, जुल्फ है तुम्हारी, क्या कहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से, नीतू जी क्या खूब, ये बाल है और बाल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहू का बाल, जैसे कि छाती का बाल, और जैसे नीचे है थोड़ा पेट का बाल। बस यही तक रहें तो बाकी खोलू तो दिक्कत आ जाएगी, नीतू जी आप डर जाएंगे। बिखरी जुल्फे परेशान चेहरा चांद बदरी में जचता नहीं है, मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, मैंने जी भर के देखा नहीं। आइएगा, क्योंकि ये बात तो बहुत बात की है। सबसे पहले हर कलाकार का मन होता है कि एक एक अपने अपने एक मन पसंद बात अपने मन से अपने बुजुर्गों के लिए रखा जाए, अपने देश के लिए रखी जाए। और मैं चाहूंगी जिन्होंने यहाँ बुला करके इतना मान और सम्मान दिया है, हमारे प्रधान जी जो प्रधान जी के भाई हैं, सभी मिलकर के इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, मैं उनको भी देखना चाहूंगी, मिलना चाहूंगी और समस्त ग्रामवासियों का सभी का मान और सम्मान करना चाहूंगी। सुनिएगा कि सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस से कैसी साड़ी मंगवाती है, सुनिए देखिए। कि बोस ऐसी पता है सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है चार दिन से, लेकिन एक एक क्लब की कोशिश ये करेंगे कि आपके कानों में पहुंचना चाहिए। कि बॉस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक
बताइए उस साड़ी में कैसे कैसे और किस किस के फोटो होने चाहिए। आप कहती जाइए, मैं आपकी बात को दिल की गहराइयों से समझूंगा। सुनिए आइए, कहां तक डरेंगे जब कातलों को मोहल्ले में धर ले लिया, धर ले लिया। क्योंकि जिन देश शहीदों के भी उसे भारतवासी नहीं मानता, जो हमारे भारत के शहीदों के नाम आए और उसे जोश नहीं आए। आप जिनका नाम ले रहे हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लंदन जाने की तैयारी है। राम लक्ष्मण राज छोड़ के